हिम्मत रखो, चुगना नहीं है, खाना से बड़ा उसके छोड़ ना। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेता नरेंद्र मीणा रविवार को एक सभा में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें गले लगाते हुए संभालने का प्रयास किया, लेकिन वे रोते रहे, अपने आंसू नहीं रोक पाए। इसके बाद सभा में संबोधित करते हुए नरेंद्र मीणा ने दिवंगत भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कहा कि भाजपा पार्टी का ही कोई सदस्य या कार्यकर्ता आता तो अच्छा रहता, लेकिन आप क्यों एक ही घर में इसे समेट रहे हैं। नरेंद्र मीणा ने कहा कि अब समाज के चुनिंदा व्यक्तियों से राय लेकर जो निर्णय होगा वो किया जाएगा, उसे आलाकमान को भेजेंगे, आलाकमान इस पर इसको पुनर्विचार करना चाहिए। नरेंद्र मीणा ने यह भी कहा कि सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में जैसे ही भाजपा टिकट की घोषणा हुई, इससे यहाँ के कार्यकर्ता और जनता में दुख की लहर चल पड़ी है। आज सैकड़ों कार्यकर्ता ने मुझे निमंत्रण देकर बुलाया है। यहाँ हमने निर्णय लिया कि एक बार फिर आलाकमान पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट पर पुनर्विचार के लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा। बाद में नरेंद्र मीणा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें उनके बागी तेवर साफ नजर आ रहे हैं। तो अब सलूम्बर की राजनीति में और उपचुनाव में क्या होने वाला है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल नरेंद्र मीणा ने अपना वीडियो जारी करके क्या कहा, ये आप सुनिए। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। भारतीय जनता पार्टी ने सलूम्बर विधानसभा के उपचुनाव हेतु आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी का मैं पिछले 20 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होकर सलूम्बर की जनता के बीच में रहा हूं और सलूम्बर की जनता की सेवा कर रहा हूं। 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा नाम प्रमुखता से नंबर वन पे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। इस कारण से मैंने हर बार धैर्य रखा, पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने का मैंने परिचय दिया है। इस बार मेरे कार्यकर्ता सलूम्बर विधानसभा के 36 कोम के कार्यकर्ता आज इस निर्णय से बहुत आहत हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं और कई कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से मिलके और कई कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन पे मेरे से बात करके उन्होंने अपनी स्थिति बताई और जो गांव में दुख प्रकट कर रहे हैं उनके वीडियो बताए मुझे, वो देख के और मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। इस हेतु सलूम्बर विधानसभा के 36 कॉमों के कार्यकर्ताओं ने, जनता जनार्दन ने, समाजों ने कल सलूम्बर के एक ओजस्वी वाटिका में सलूम्बर बाईपास पर बैठक रखी है। उस बैठक में दोपहर 11 बजे सभी लोग वहां एकत्रित होंगे और मुझे वहां बुलाया है तो मैं वहां पे उस सबके बीच में उपस्थित रहने वाला हूं। जो कार्यकर्ता और जो कोई मेरे इष्ट मित्र मिलना चाहे तो मैं दोपहर 11:15 बजे वहां पे मैं उपस्थित रहने वाला हूं सलूम्बर में।